हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो एकेडमिक इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। अर्थात इसमें हम डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिखाएंगे बच्चों को कि कैसे ये सेंटेंसेस चेंज किए जाते हैं। यह एक्सरसाइज 1 है एंड इसका जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द सेंटेंस नंबर 1, A girl says to her mother, "I was accosted in the street by a complete stranger." तो यहाँ देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स क्या होते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यह देखिए कि हम यह देखते हैं कि ये जो कॉमा के बाहर होता है सेंटेंस, या डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये मतलब देखना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वह क्या है एंड ऑब्जेक्ट है वह क्या है। दूसरी बात, इसमें चेंज करने के लिए जो सबसे पहले नियम होते हैं, रूल्स ऑफ कनेक्टिव, रूल्स ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स होते हैं। एंड इसके बाद फिर रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंसेस होते हैं। तो और उसके बाद फिर दूसरे चेंजेस होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये जो रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स की हम सबसे पहले बात करें, बाकी रूल्स ऑफ चेंज ऑफ पर्सन्स और टेंस की हम बात करते रहेंगे। सबसे पहले ये 4 रूल्स होते हैं यहाँ पर कनेक्टिव्स में। हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम यह देखते हैं कि अगर यहाँ पर कॉमा है, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ यानी सिंपल सेंटेंस है, तब तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगा देते हैं और उसके बाद फिर सेंटेंस को हम सिंपल लिख देते हैं। यदि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर हम उसको वेदर या इफ लगा देते हैं और उसके बाद फिर सेंटेंस को सिंपल बना करके लिख देते हैं। तीसरा है, यदि WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद में WH वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर ये जो है ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है यानी तो सिंपल है, तो यहाँ दैट लगा करके सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये यहाँ ऑग्जिलरी वर्ब पहले आई है यानी आई वॉज की जगह अगर वॉज आई आया होता, तो फिर हम इसको सिंपल बना देते, मतलब सेंटेंस को सब्जेक्ट से यानी कि सिंपल बना देते, सब्जेक्ट से लिखते और यहाँ दैट नहीं लगाते बल्कि इफ या वेदर लगाते उस कंडीशन में। अगर यहाँ सेंटेंस WH वर्ड व्हाट व्हेन वेयर इस तरह के वर्ड्स से शुरू होता है, तो व्हाट व्हेन वेयर की इंग्लिश यहाँ लगी रहने देते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज को हम यहाँ से हटा देते हैं और सब्जेक्ट को व्हाट व्हेन वॉज के बाद सिंपल सेंटेंस में लिख देते हैं। अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद में फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के यहाँ 2 लगा देते हैं और उस फर्स्ट फॉर्म से पहले बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये तो कनेक्ट रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स के से संबंधित चीज़ें हैं या रूल्स हैं। इसके बाद फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन होता है, तो इसमें हमें ये देखते हैं कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये देखते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई नाउन या प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, कुछ भी है, फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड आया है, तो फिर उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अंदर में चेंज करते हैं।
अगर यहाँ सेकंड पर्सन कोई प्रोनाउन आया है तो फिर हम इसके ऑब्जेक्ट से, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है और इन केस चेंज करना ही है, जरूरी है, तो फिर हम उसमें अपने आप को मान लेते हैं, या फिर हम कोई अपनी तरफ से यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर कर देते हैं। तो ये इसके पर्सन के रूल हैं। एंड टेंस से रिलेटेड क्या है? टेंस से रिलेटेड ये है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट मीन्स प्रेजेंट टेंस से है, कोई रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी प्रेजेंट टेंस से है, कोई भी फ्यूचर टेंस से है, तो यहाँ टेंस में कोई चेंज हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पास्ट टेंस से कोई भी चेंज है, यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई पास्ट टेंस है, तो फिर हम यहाँ पर भी पास्ट में ही कर देते हैं। पास्ट में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ये बात हम आगे करते चलेंगे। तो फिलहाल हम ये थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है और सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस सिंपल है। एक चीज, दूसरी बात यह कि तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अ गर्ल सेज टू हर मदर दैट। अब मैं लिखूंगा कुछ नहीं, आप मेरी बात केवल सुनते जाइए, सुन करके समझिए। अ गर्ल सेज टू हर मदर, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अ गर्ल सेज टू हर मदर दैट। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको चेंज करने के, प्रोनाउन्स को चेंज करना ही करना होता है हमको। तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हमको ये चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, गर्ल, तो गर्ल क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। गर्ल के लिए थर्ड पर्सन भी फेमिनिन जेंडर में हमको चाहिए, तो थर्ड पर्सन में फेमिनिन जेंडर में शी हो जाएगा। तो अ गर्ल सेज टू हर मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट। उसके बाद यहाँ आ जाएगा शी, शी के बाद चूंकि टेंस चेंज नहीं होना है, ये सिंपल प्रेजेंट है, सभी में सिंपल प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, तो जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो शी वॉज अकोस्टेड इन द स्ट्रीट बाई अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। तो अ गर्ल सेज टू हर मदर दैट शी वॉज अकोस्टेड इन द स्ट्रीट बाई अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस इज अ बॉय सेज टू हिज फ्रेंड। यहाँ ये भी सिंपल प्रेजेंट में, कोई टेंस चेंज नहीं होगा यहाँ पर, चूंकि ये भी आई एम यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लग जाएगा। तो अ बॉय सेज टू हिज फ्रेंड दैट, उसके बाद आई है जो फर्स्ट पर्सन है, तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है, तो ये हो जाएगा ही हो जाएगा यहाँ पर। अ बॉय सेज टू हिज फ्रेंड दैट ही, और ही के अकॉर्डिंग एम, तो आई के अकॉर्डिंग एम है, तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिज, और हो जाएगा ही इज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अ बॉय सेज टू हिज फ्रेंड दैट ही इज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। थर्ड सेंटेंस इज अ चाइल्ड सेज टू हिज फ्रेंड, अ चाइल्ड सेज टू हिज फ्रेंड अ न्यू विंग विल बी एडेड। तो यहाँ क्या है, यहाँ अ न्यू विंग, ये तो ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन जब आएगा, जैसे माई है तो आएगा तो बताएंगे। तो अ चाइल्ड सेज टू हिज फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो कॉमा हटा करके दैट ए न्यू विंग विल बी एडेड टू माई, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट क्या है, अ चाइल्ड यानी थर्ड, और यहाँ टू हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड से पता लगता है कि ये चाइल्ड अपने आप क्या है, ही है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हिज हो जाएगा। अ न्यू विंग विल बी एडेड टू हिज स्कूल्स बिल्डिंग, या इसका ये विल बी एडेड टू हिज स्कूल्स बिल्डिंग, यानी अ चाइल्ड सेज टू हिज फ्रेंड दैट अ न्यू विंग विल बी एडेड टू हिज स्कूल्स बिल्डिंग।
ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से अ मैन सेज टू हिज फ्रेंड माई टैलेंट्स आर फुली अप्रिशिएटेड इन माई कंपनी। तो अ मैन सेज टू हिज फ्रेंड, यहाँ देखिए माई टैलेंट्स यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा करके दैट लगा दिया जाएगा। और ये पजेसिव एडजेक्टिव माई है, माई फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। तो जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ भी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर का पजेसिव केस हमको चाहिए जो हिज होता है। तो अ मैन सेज टू हिज फ्रेंड यहाँ पर दैट हिज टैलेंट्स आर फुली अप्रिशिएटेड। अब चूंकि माई को यहाँ हिज चेंज किया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो हिज टैलेंट्स आर फुली अप्रिशिएटेड इन हिज कंपनी। अ मैन सेज टू हिज फ्रेंड दैट हिज टैलेंट्स आर फुली अप्रिशिएटेड इन हिज कंपनी, ये सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस इज अ मैन सेज टू हिज कॉलीग, यहाँ देखिए अ मैन के लिए हिज आया है तो आगे भी अगर माई आया तो हिज में चेंज हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं। अ मैन सेज टू हिज कॉलीग योर सपोर्ट हैड बीन ग्रेटली अप्रिशिएटेड। तो चूंकि यहाँ ये सभी प्रेजेंट में है इसलिए इनमें से किसी के टेंस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए इसको चेंज करने की आवश्यकता है और अंदर के पर्संस चेंज होंगे बस, और इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अ मैन सेज टू हिज कॉलीग, फिर क्या है ये, यहाँ देखिए सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ दैट लगेगा और दैट इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा और उसके बाद पर्सन चेंज होगा। पर्सन क्या है, योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलीग, कॉलीग क्या है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, क्योंकि हिज कॉलीग इस यहाँ पर आया है तो हिज का मतलब यूजुअली हम हिज का कॉलीग हिज ही मानते हैं, वैसे तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हिज का मतलब हिज ही मानते हैं। तो अ मैन सेज टू हिज कॉलीग दैट हिज सपोर्ट हैड बीन ग्रेटली अप्रिशिएटेड। इसी तरह से अ वोमन सेज टू द पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ पर दैट आ जाएगा, दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अ वोमन सेज टू द पुलिस इंस्पेक्टर दैट, चूंकि वोमन थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर है तो यहाँ फेमिनिन जेंडर, थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर का सब्जेक्ट शी होता है तो शी वॉज बाउंड टू अ चेयर, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो अ वोमन सेज टू द पुलिस इंस्पेक्टर दैट शी वॉज बाउंड टू अ चेयर, यह सेंटेंस का रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। सेवंथ सेंटेंस इज एन ओल्ड वुमन सेज टू हिज सन दैट आई है और आई ओल्ड वुमन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो दैट शी सॉ दिस हाउस वॉज बींग बिल्ट इन 1980। एन ओल्ड वुमन सेज टू हिज सन नहीं होगा, एन ओल्ड वुमन सेज टू हर सन होगा, हिज सन नहीं है यहाँ, गलत ये प्रिंट है, हर सन हो, हर सन। एन ओल्ड वुमन सेज टू हर सन आई सॉ दिस हाउस वॉज बींग बिल्ट इन 1980। तो एन ओल्ड वुमन सेज टू हर सन दैट, उसके बाद चूंकि देखिए यहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ कोई टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ दैट लगेगा लगेगा। कनेक्टिव कनेक्ट करने के जो रूल्स हैं वो मैंने बिगिनिंग में आपको बता दिए हैं कि अगर यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ दैट आता है, यानी सिंपल सेंटेंस यहाँ होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ फिर कनेक्टिव दैट आता है। तो एन ओल्ड वुमन सेज टू हर सन और यहाँ पर दैट आ जाएगा, दैट आई को शी में चेंज कर देंगे क्योंकि आई कौन है, ओल्ड वुमन है। तो दैट शी सॉ दिस हाउस वॉज बींग बिल्ट इन 1980, ये सेंटेंस हो जाएगा। एन इंस्पेक्टर सेज आई गैस दैट अ लॉट ऑफ मनी विल हैव बीन स्टोलन इन द रॉबरी। तो एन इंस्पेक्टर सेज यहाँ भी क्या है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा और आई क्या है, एन इंस्पेक्टर है
तो यहाँ ही हो जाएगा. तो एन इंस्पेक्टर सेज दैट ही गैसेज दैट अ लॉट ऑफ मनी विल हैव बीन स्टोलन इन द रॉबरी. ये सेंटेंस हो जाएगा. नाइन्थ सेंटेंस इज अ सर्वेंट सेज टू हिज एम्प्लॉयर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. तो ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है यहाँ, या सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे भी कह सकते. नहीं, दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, तो सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पर. तो अ सर्वेंट सेज टू हिज एम्प्लॉयर, चूंकि ये सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो दैट से स्टार्ट, दैट हो जाएगा यहाँ कनेक्टिव. दैट दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब आया है यहाँ पर. तो यानी सिंपल सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस होता है तो कनेक्टिव दैट लगता है. अ सर्वेंट सेज टू हिज एम्प्लॉयर दैट दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे. अ वुमन सेज टू हर चाइल्ड द रूम विल बी क्लीन्ड लेटर. तो अ वुमन सेज टू हर चाइल्ड, फिर यहाँ क्या है, ये चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो सिर्फ यहाँ कनेक्टिव दैट लगा करके लिख दिया जाएगा. अ वुमन सेज टू हर चाइल्ड दैट द रूम विल बी क्लीन्ड लेटर. 11th, स्टूडेंट्स से टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, इसको हटा दिया जाएगा और दैट लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है. तो स्टूडेंट्स से टू द टीचर दैट द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एट द मोमेंट. द स्टूडेंट्स से टू द टीचर दैट द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एट द मोमेंट, ये इसका हो जाएगा, दैट द रूम इज बीइंग क्लीन्ड. 12th सेंटेंस इज ए स्टूडेंट सेज टू द मैनेजर द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड. तो यहाँ भी देखिए, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, यानी सब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब है, ऐसे कहेंगे. तो चूंकि सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ कनेक्टिव क्या लगाया जाएगा, दैट लगाया जाएगा. अ स्टूडेंट सेज टू द मैनेजर दैट द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड व्हेन आई अराइव्ड. तो आई क्या है, आई तो प्रोनाउन है, तो ये तो चेंज करना पड़ेगा. तो आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है, यानी कि थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है. तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर. थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है दैट इज ही. तो बीइंग क्लीन्ड व्हेन ही अराइव्ड हो जाएगा. स्टूडेंट सेज टू द मैनेजर द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड व्हेन ही अराइव्ड, यानी आई की जगह पर ही हो जाएगा, व्हेन ही अराइव्ड हो जाएगा. इसी तरह से अ बॉय टेल्स हिज फादर आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड. तो आई यहाँ पर देखिए, अ बॉय टेल्स हिज फादर, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर दैट लग जाएगा कनेक्टिव. एंड इसके बाद में आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट चेंज होगा, और सब्जेक्ट इसमें थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन ही आ जाएगा. तो अ बॉय टेल्स हिज फादर दैट ही, अब चूंकि ही आ गया तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में है ये, तो आई के साथ तो थिंक आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस और ई एस आती है, लेकिन यहाँ चूंकि ही हो जाएगा तो वर्ब विद एस और ई एस आएगी. तो अ बॉय टेल्स हिज फादर दैट ही थिंक्स. अब वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा. तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लुरल है, तो इसलिए अब इसका ये तो नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन थर्ड पर्सन हम प्लुरल बना देंगे. तो इसलिए ही थिंक्स दे आर बीइंग फॉलोड, वी का जो थर्ड पर्सन प्लुरल हो जाएगा वो दे हो जाएगा. तो अ बॉय टेल्स हिज फादर दैट दैट ही थिंक्स दे आर बीइंग फॉलोड, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा. अ बॉय टेल्स हिज फादर दैट ही थिंक्स दे आर बीइंग फॉलोड. राम सेज टू मोहन, 14th सेंटेंस, राम सेज टू मोहन आई वॉज ऑफर्ड द जॉब बट आई रिफ्यूज्ड इट. तो एक तो यहाँ पर है दैट लग जाएगा, आप समझ चुके होंगे कि यहाँ कैसे दैट लग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब स्टार्ट हो रही है तो सिंपल सेंटेंस यहाँ दैट लग जाएगा, और आई चूंकि दो जगह आया है तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है. तो सब्जेक्ट है राम, राम
राम थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर यहाँ भी ही हो जाएगा और यहाँ भी ही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, राम सेज टू मोहन दैट ही वॉज ऑफर्ड द जॉब बट ही रिफ्यूज्ड इट, बट ही रिफ्यूज्ड इट, ये हो जाएगा। 15th, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, यू, यू क्या है सेकंड, एक तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ दैट आ जाएगा, ये कॉमा हट करके दैट आ जाएगा। और यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स क्या है, एक तो प्लूरल है लेकिन प्लूरल है ये, और ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग का मतलब है कि थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो यू सिंगुलर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए प्लूरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट दे विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिसाइड। सो द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स दैट दे विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिसाइड, टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स दैट दे विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिसाइड। 16th सेंटेंस, द मैनेजर ऑफ द शोरूम सेज टू द कस्टमर, द न्यू मशीन हैज बीन, द न्यू मशीन मशीन हैज बीन शोन, तो यहाँ पर आगे मेरे ख्याल से शोन तक ही है, अभी मैं देखता हूँ और क्या है आगे, लेकिन वो जो भी हो हमें यूजुअली हमें यहीं पर चेंज करना होगा। तो द मैनेजर ऑफ द शोरूम सेज टू द कस्टमर, अब चूंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ दैट लगाया जाएगा और दैट दी न्यू मशीन, अब चूंकि यहाँ कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, ये तो थर्ड पर्सन अपने आप में, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, और फिर प्रोनाउन चेंज होते हैं, नाउन वगैरह चेंज नहीं होते हैं, तो द मैनेजर ऑफ द शोरूम सेज टू द कस्टमर दैट द न्यू मशीन हैज बीन शोन, और शोन का ये शोन टू यू है, यहाँ पर शोन टू यू देख लीजिए, द न्यू मशीन हैज बीन शोन टू यू, तो टू यू जो है वह सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन है तो वह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का, ऑब्जेक्ट है कस्टमर, तो कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमर क्या है थर्ड पर्सन है, तो वहां भी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, द न्यू मशीन हैज बीन शोन टू हिम, ये हो जाएगा, द मैनेजर ऑफ द शोरूम सेज टू द कस्टमर दैट द न्यू मशीन हैज बीन शोन टू हिम, ये हो जाएगा। 17th सेंटेंस इज, द मैनेजर सेज टू द डायरेक्टर, द मैन वर पेड 1000 टू डू द वर्क, तो यहां पर फिर देख लीजिए, द मैनेजर सेज टू द डायरेक्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो दैट हो जाएगा यहाँ, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, द मैनेजर सेज टू द डायरेक्टर दैट द मैन वर पेड ₹1000 टू डू द वर्क, ये हो जाएगा, द मैनेजर सेज टू द डायरेक्टर दैट द मैन वर पेड ₹1000 टू डू द वर्क, इसमें कोई प्रोनाउन है नहीं, और प्रोनाउन नहीं है तो उसको चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये 17th सेंटेंस हमने किया। 18th सेंटेंस, द मैनेजर सेज टू द इंजीनियर, फिर क्या है, दैट ही है, दैट चूंकि आई है तो आई ही में चेंज हो जाएगा, द मैनेजर सेज टू द इंजीनियर दैट ही हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट ही वॉज लीविंग, द मैनेजर सेज टू द इंजीनियर दैट ही हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट ही वॉज लीविंग, चूंकि आई क्या है, आई भी, आई फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट मैनेजर है, मैस्कुलिन माना जाएगा इसको, इधर इंजीनियर ये दोनों एक ही हैं, मतलब यू यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इसलिए ही हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट ही वॉज लीविंग, अब चूंकि यहाँ ही है तो उसके साथ वर्क की जगह वॉज हो जाएगा, टेंस इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अ मैन सेज टू हिज नेबर दैट द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून, अ मैन सेज टू हिज नेबर दैट
यहाँ दैट आ जाएगा, दैट द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून। आप कैसे दैट आया है ये अभी आप जान गए होंगे, अदरवाइज खुद भी कोशिश करके जानिए। यहाँ दैट द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून हो जाएगा। 20th, अ गर्ल फोन्स हर फ्रेंड एंड सेज टू हर, यहाँ भी दैट हो जाएगा, दैट शी इज बीइंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल, दैट शी इज बीइंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल। अ गर्ल फोन्स हर फ्रेंड एंड सेज टू हर दैट शी इज बीइंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल। यहाँ ट्रीट कैसे हो गया ये थोड़ा सा खुद समझ करके और समझिए। अ प्लेयर सेज टू हिज फ्रेंड, अ प्लेयर सेज टू हिज फ्रेंड दैट प्लेयर्स विल हैव बीन कॉल्ड बाई दिस टाइम टुमोरो। अ प्लेयर सेज टू हिज फ्रेंड दैट द प्लेयर्स विल हैव बीन कॉल्ड बाई दिस टाइम टुमोरो। बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और ये दैट कैसे हुआ इसको आप खुद समझिए। मैं यहीं तक बार बार रूल्स नहीं बताऊंगा, बस दो तीन बचे आपकी प्रैक्टिस और समझने के लिए भी जरूरी है कि मैं ना बोलूं। एंड एन ऑपोजिट लीडर सेज इन द पार्लियामेंट दैट एटलीस्ट 47,000 जॉब्स वर लॉस्ट लास्ट ईयर। एन ऑपोजिट लीडर सेज इन द पार्लियामेंट दैट एटलीस्ट 47,000 जॉब्स वर लॉस्ट लास्ट ईयर। सेंटेंस नंबर 23, अ न्यूज़पेपर सेज अ बेबी हैड बीन अबेंडन्ड बाय इट्स मदर। तो अ न्यूज़पेपर सेज दैट अ बेबी हैड बीन अबेंडन्ड बाय इट्स मदर। अ न्यूज़पेपर सेज दैट ए बेबी हैड बीन अबेंडन्ड बाय इट्स मदर। 24th सेंटेंस, अ चाइल्ड सेज टू हिज फ्रेंड देयर वॉज समबडी बिहाइंड अस। तो अ चाइल्ड सेज टू हिज फ्रेंड दैट देयर वॉज समबडी बिहाइंड देम। अस का देम हो जाएगा। अ चाइल्ड सेज टू हिज फ्रेंड दैट देयर वॉज समबडी बिहाइंड देम हो जाएगा। 25th, अ मैन सेज टू अ विजिटर दैट दीज टूल्स विल बी एडेप्टेड फॉर यूज बाई डिसेबल्ड पीपल। अ मैन सेज टू ए विजिटर दैट दीज टूल्स विल बी एडेप्टेड फॉर यूज बाई डिसेबल्ड पीपल। फिर से, अ मैन सेज टू ए विजिटर दैट दीज टूल्स विल बी एडेप्टेड फॉर यूज बाई डिसेबल्ड पीपल। तो यह आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करने वाली 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए पहली एक्सरसाइज थी। ये सॉल्व हो चुकी है एंड इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको एंजॉय करिए। एंड तब तक आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज रिकॉर्ड करेंगे। एंड जब तक आपको दूसरी एक्सरसाइज आपको देते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।